हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज हमने डाल रखा है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड 6 to 12 सब चीज प्रेजेंट है। आप लोग बस अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो, बस यही आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो पढ़ाई करते रहो और आप लोग के लिए जो भी चीज चाहिए वो तो हम बना ही रहे कंटिन्यूसली। तो आपने प्रॉब्लम सेट डिमांड किया था तो प्रॉब्लम सेट 1 भी स्टार्ट कर दिया, उसका एक चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 अलजेब्रा का कंप्लीट करा दिया। प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ ज्योमेट्री आज कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर सिमिलैरिटी का। तो आज ही हमारा इस चैप्टर के प्रॉब्लम सेट का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 के अंदर के कुछ क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे इस वीडियो के एंड तक, बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको सीखने मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, बस एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल के बारे में या फिर हमारे वीडियोस के बारे में लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, शुरुआत करें आज के इस वीडियो की। चलिए, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कई सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, तो आप जाके जरूर से लेक्चर वीडियोस देख सकते हो हमारा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक फिगर है, ये फिगर में आपको दिया है कि एसडी, दिस लाइन एसडी, दिस लाइन आरसी, दिस लाइन क्यूबी एंड दिस लाइन पीए, ये चारों पैरेलल है किसको, एडी को। ये पूरा एडी लाइन है, ए से लेकर डी तक का लाइन है। तो इस लाइन को क्या है, क्या है ये, परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल, क्या है, परपेंडिकुलर, और एक दूसरे को आपस में पैरेलल है। एबी का जो वैल्यू है यहां पे 60 दे रखा है, मतलब ये एबी का जो वैल्यू है 60 है। उसके बाद बीसी का जो वैल्यू है वो 70 दे रखा है और सीडी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 80, चलो लिख लिया हमने। और साथ में पीएस का जो वैल्यू है, पीएस यानी कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है वो 280 दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि पीक्यू निकालो, क्यू आर निकालो और आर एस निकालो। तो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी निकालने में। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, दैट इज अ थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पढ़ा था। लेकिन यहां पे तो चार पैरेलल लाइन है, 1 2 3 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार क्यों नहीं कर सकते, अगर हम चारों में से किसी तीन को कंसीडर करें और फिर हम उसको सॉल्व करें तो एक का आंसर आ जाएगा, फिर एक को छोड़ के वापस तीन को कंसीडर करें तो वापस से एक का आंसर आएगा। तो इस तरीके से दो बार करेंगे तो हमारा जो आंसर है यानी पी क्यू क्यू आर ये सबका आंसर जो है, जो वैल्यू है वो हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, क्या मानूंगा, इस पी क्यू को मैं मान लेता हूं एक्स और इस क्यू आर को मैं मान लेता हूं वाई। तो मैं लिख दूंगा यहां पर लेट PQ का जो वैल्यू है उसको मैंने X मान लिया और QR का जो वैल्यू है इसको मैंने Y मान लिया। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब कैसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग को लगता है कि यार हमेशा जो हमने सिंपल तरीके से पढ़ा है वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा क्या दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो PQ इज इक्वल टू X हो गया और ये जो QR है ये इज इक्वल टू Y हो गया हमें। ठीक है, अब यहां पे हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, क्या पता है दोस्तों बताओ, कि ये जो PS है बड़ा वाला PS, यानी ये PS है पूरा का पूरा PS, PS इज इक्वल टू क्या होगा, PQ प्लस QS, बराबर ना। देखो ये PQ को QS से प्लस करूंगा तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, PS मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है, क्या बोल सकता हूं कि PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS, लिख सकता हूं कि नहीं, दिस PQ प्लस QS इज नथिंग बट PS। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, मुझे PS का वैल्यू दिया है कि यस, बिल्कुल दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है, इज इक्वल टू PQ का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो PQ का वैल्यू कहीं पे नहीं पता है, PQ का वैल्यू तो मुझे पता है X, क्योंकि मैंने X माना है, PQ को मैंने क्या माना है दोस्तों, X माना है। ठीक है, और साथ ही में QS का जो वैल्यू है वो मुझे पता है क्या, देखो QS का कहीं पे दिया हुआ है क्या, QS 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 कहीं नहीं दिया, क्योंकि मुझे QS पता ही नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज रखूंगा, QS को, QS को मैंने क्या रखा, इसको एज इट इज मैंने रख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं QS का वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से तो क्या हो जाएगा, QS विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज नथिंग बट 280 माइनस एक्स। ठीक है, QS विल बी इक्वल टू 280 माइनस एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा है। अब इसको क्या मैं मानता हूं, अब यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं, सिर्फ मैं इस लाइन को लूं और दैट इज इस लाइन को ले लूं और सिर्फ इस लाइन को ले लूं, यानी कि फर्स्ट 3 लाइन को अगर मैं ले लूं, ठीक है, या फिर अगर मैं देखो ये वाला लाइन को लेता हूं, ये वाले लाइन को लेता हूं, यानी कि कोई भी 3 लाइन आपको लेना है तो कोई भी 3 लाइन को पैरेलल बना और ये वाला उसके 2 ट्रांसवर्सल रहेंगे, तो हमारा थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन इन द ट्रांसवर्सल का हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे समझ लो, मैं पहला लाइन लेता हूं, दूसरा लाइन लेता हूं, दैट इज सेगमेंट पीए पैरेलल टू सेगमेंट क्यूबी,
पहला लिया, दूसरा लिया, देखो ध्यान से, सेगमेंट पीए लिया, सेगमेंट क्यूबी लिया, ठीक है, ये दोनों ले लिया हमने, और साथ ही मैं क्या करता हूं, ये तीसरे वाले को स्किप करता हूं और सीधा ये लेता हूं, दैट इज पैरेलल टू सेगमेंट एसडी। अब ये क्या हो गया, अब आप देखोगे ये क्या हो गया, मैंने ये वाला लाइन लिया है, ये वाला लाइन लिया है और ये वाला लाइन लिया, ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो मैं दैट इज थ्री पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का फंडा लगा सकता हूं। तो इसके अनुसार हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, देखो थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन, देखो ध्यान से, थ्री पैरेलल लाइन एंड उसके ट्रांसवर्सल। तो कभी भी ऐसा होता है, आपको पढ़ाया था ना मैंने, कभी भी तीन पैरेलल लाइन होता है उसके ट्रांसवर्सल्स होते हैं, तो कैसे आ जाता है, ये पॉइंट का रेशियो आ जाता है, आपको मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था थ्री पैरेलल लाइन का एग्जांपल, ठीक है, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, रेशियो बन जाएंगे। तो रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है, रेशियो कैसे लिखेंगे बताओ, यहां पे दैट इज नथिंग बट पी क्यू अपॉन क्यू एस, कैसे लिखेंगे, दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू दिस ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ये लिख सकता हूं मैं, देखो इसमें कोई तकलीफ है, यहां तक कोई भी तकलीफ यहां तक नहीं होगी, दैट इज यहां पे हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक में लगाता हूं अगर, तो इस पी क्यू को, इस पी क्यू को मुझे पता है कि हम क्या बोलते हैं, पी क्यू को हम लोग बोलते हैं एक्स, तो इस पी क्यू के जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूं क्या, देखो कोई तकलीफ मुझे नहीं, इस QS के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, जो कि है 280 माइनस एक्स, लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन QS का वैल्यू 280 माइनस एक्स है, तो इस QS के जगह पे हमने 280 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे जो AB और BD है, ठीक है ना, AB और BD है, तो AB का वैल्यू हमें दे रखा है 60, लिख सकते हैं हम लोग 60, और ये जो BD है B से लेके D, मुझे BD का वैल्यू कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल तो सकते हैं ना, देखो ये BC का वैल्यू 70 है और ये CD का वैल्यू 80 है, तो अगर मुझे B से लेके D तक का वैल्यू चाहिए, BD का वैल्यू चाहिए, तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 150, इसका मतलब कहीं ना कहीं BD का वैल्यू डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं ना, 70 प्लस 80 साइड में चाहिए, तो कहीं लिख सकते हैं क्या कि BD इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट BC प्लस CD ना, और BC का वैल्यू कितना है 70 है, प्लस CD का वैल्यू 80 है, तो हमारा BD का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 150 आएगा, 150 150 रुपया देगा, ठीक है, ये आ गया हमारा BD का वैल्यू, तो BD इज इक्वल टू 150, इधर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई परेशानी मुझे यहां तक नहीं। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो देखो कैसे होगा, ये 150 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज नथिंग बट 150x, बीच में इक्वल हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 280, करो यार बहुत लंबा चौड़ा आएगा, देखो पहले तो 0020 आ जाएगा, 1020 आ जाएगा, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6848 4 कैरी हो जाएगा, और 6 2 12 13 14 15 16, तो 16800 ये हो गया, और बीच में माइनस, और 60 मल्टीप्लाई बाय x इज 60x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 60x उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 210x इज इक्वल टू 16800, तो x का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, x का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करता हूं, देखो यहां पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 16800 होल डिवाइडेड बाय 210, समझा, इतना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू जो है दोस्तों वो हमें मिल जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, देखो यहाँ पे 00 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो 7 के टेबल में जाएगा क्या, चेकआउट कर लेते हैं, देखो 7 3 21 होता है, और 7 2 14 2 बचेगा 28, 7 4 28 और 0 3 1 3 3 8 24 और 0 मतलब 80 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। x को क्या माना था मैंने, देखो कहीं पे लिखा होगा x को मैंने pq माना था, तो यहां से मेरे को मिल गया that is pq is equal to 80, तो हमें यहां से एक वैल्यू हमारा मिल गया, pq पूछा था निकालने के लिए, देखो find pq, तो हमने pq निकाल दिया, देखो कितना सिंपल था, pq निकल गया, लेकिन अब qr भी निकालना है, this value qr भी निकालना है और rs भी निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा एक वैल्यू तो हमने निकाल दिया, pq का तो वैल्यू जो है वो हमने निकाल दिया, ठीक है, अब मुझे बताओ जब pq मुझे मिल जाएगा तो हम लोग बाकी वैल्यू जो है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इजी तरीके से, तो यहां पे मैं क्या दिमाग लगाऊं बताओ, यहां पे हम लोग या तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये तीन पैरेलल लाइन लिया था, पहला दूसरा और चौथा, अब हम क्या लेते हैं दूसरा तीसरा चौथा ले लेते हैं, तीनों को कंसिडर करके फिर वापस से सॉल्व करेंगे, वही थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल वाला लगाएंगे, और उसके बाद फिर से हमें क्या मिलेगा, एक नया वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोग देखते रहो, फटाफट से देखते रहो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे जिस प्रकार हमने देखो यहां पे ये हमने एक लॉजिक लगाया था, यहां पे कहा गया हमारा दैट इज पीएस इज इक्वल टू पीक्यू प्लस क्यूएस लिखा था, इस पीएस इज इक्वल टू इस पूरे पीएस को हमने क्या लिखा था, पीक्यू प्लस क्यूएस लिखा था,
उसी प्रकार अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं, इस बार हम लोग ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ले रहे हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं बताओ, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर का वैल्यू, जो क्यू आर का वैल्यू हमने माना हुआ है वो है वाई, प्लस आर एस का वैल्यू मुझे पता नहीं है ऐसे ही, लेकिन क्यू एस का वैल्यू दिया है, कहां गया क्यू एस का वैल्यू दिया है क्या हमें, क्यू एस का वैल्यू कहीं पे दिया है क्या, चेक करो कहीं पे क्यू एस का वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा है क्या, चेकआउट करो फटाफट से, ठीक है क्यू एस का वैल्यू, क्यू एस क्यू एस, हाँ हाँ है, देखो एक और चीज है, मैं वो क्यू एस का वैल्यू ढूंढ रहा था, अब क्यू एस का वैल्यू ना हमें पता है ऑलरेडी, कैसे देखो ये क्यू एस इज इक्वल टू 280 माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि 80, तो 280 माइनस एक्स मतलब 280 माइनस 80, तो क्यू एस का वैल्यू मिल जाएगा ना, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्यू एस का वैल्यू है वो 200 है, कैसे आया 200 कि क्यू एस इज इक्वल टू 280 माइनस एक्स है, अगर इस 80 को एक्स की जगह पे डालूंगा तो 280 माइनस 80 इज इक्वल टू 200 आएगा, यानी क्यू एस का वैल्यू 200 है, तो देयरफॉर यहां पे आर एस का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 200 माइनस वाई, ठीक है, जिस प्रकार हमने क्यू एस इज इक्वल टू 280 माइनस एक्स किया था वैसे आर एस का वैल्यू 200 माइनस वाई हो जाएगा, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, एंड सेम इस बार मैं लेता हूं हमारा सेगमेंट दूसरा वाला तीसरा वाला सेकंड थर्ड और फोर्थ लेता हूं मैं, तो हमारा सेगमेंट क्यू बी लेता हूं, पैरेलल सेगमेंट आरसी लेता हूं और सेगमेंट एचडी लेता हूं, ये दो तीनों मैंने ले लिया, उसके हिसाब से हमारा दैट इज थ्योरम ऑफ थ्री ट्रांसवर्सल, थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के हिसाब से हमारा वैल्यू मिलेगा हम लोग को, कैसे मिलेगा देखो क्या मिलेगा, दैट इज क्यू आर अपॉन आर एस, क्यू आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू बीसी अपॉन सी डी, बीसी अपॉन सी डी, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, मैं एक नया पेज ले लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो ये क्यू आर का वैल्यू पता है क्या मुझे, देखो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू मुझे पता है वाई है, तो इस क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, आर एस का वैल्यू मुझे अभी भी पता है, हमने इक्वेशन के फॉर्म निकाला है 200 माइनस वाई, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 200 माइनस वाई, बीच में है इक्वल लिख दिया इक्वल, फिर उसके आगे है बीसी अपॉन सी डी, अब देखो बीसी का वैल्यू 70 है और सी डी का वैल्यू 80 है, तो 70 अपॉन 80 लिख दो यहां पे, दैट इज नथिंग बट 70 अपॉन 80, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, 80 मल्टीप्लाई बाय वाई इज 80 वाई, बीच में इक्वल 70 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द 14 होता है 0 0 और 0 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय वाई इज 70 वाई, अब देखो ये 70 वाई माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 80 प्लस 70 वाई यानी कि 150 वाई इज इक्वल टू 14000, देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू 14000 अपॉन 150 बराबर, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 5 3 15, 5 2 10, 5 8 40, 0 3 1 3 3 जाएगा क्या 3 के टेबल में, देखो फटाफट से 3 9 27, देखो कुछ गड़बड़ है क्या, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है फटाफट से हम लोग कुछ वैल्यू को चेकआउट कर लेते हैं, यहां पे क्या मिलेगा हम लोग को, वाई का वैल्यू हमने क्या माना है क्यू आर, ठीक है चलो, तो यहां पे क्या आ रहा है, हाँ थ्री के टेबल में जा तो नहीं रहे, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, तो ये 280 अपॉन 3 ये कैंसिल होगा तो पॉइंट में आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, हमने बराबर किया है, मतलब मुझे लगा कि शायद डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, लेकिन गलत है, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आएगा, ये बराबर है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 280 अपॉन 3, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 280 अपॉन 3, यानी y क्या है मेरे लिए, y मेरे लिए क्या है, y क्या है देखो मेरे लिए क्यू आर है, देखो बहुत लेंदी समय है, y का वैल्यू क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 280 बाय 3, तो हमें यहां से क्यू आर भी मिल गया, वाई का वैल्यू यानी क्यू आर जो है, क्यू आर का वैल्यू मुझे क्या मिल गया दोस्तों 280 बाय 3 मिल गया, ठीक है, अब मुझे बताओ हमें पी क्यू चाहिए था, क्वेश्चन में PQ मिल गया, QR का वैल्यू चाहिए था, QR भी मिल गया, अब RS भी चाहिए, लेकिन RS का वैल्यू है 200 माइनस Y, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर मुझे RS भी निकालना है तो RS इज इक्वल टू 200 माइनस Y, तो देयरफॉर RS का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 माइनस Y कितना है 280 बाय 3, तो 280 बाय 3, तो कर लो सॉल्व, RS इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 200 600 माइनस 280 अपॉन 3, तो 600 में से 280 निकालो कितना बचेगा 320 बचेगा बराबर, 320 अपॉन 3, 3 1 जा 3 नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है 320 बाय 3, तो देयरफॉर आरएस का वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों 320 अपॉन 3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, तो इसी प्रकार से हम लोग ने क्यूआर निकाल दिया, देखो यहां पे सबसे पहले हमने पीक्यू निकाल दिया, देखो मुझे पता है कि आप लोग सोचेंगे कि सर टफ क्वेश्चन है, आई नो दैट ये टफ क्वेश्चन है,
लेकिन अगर आपने प्रोसेस को एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो आपको पता है कि किस तरीके से जाना है। दो चीज लगेगा क्योंकि यहाँ पे चार पैरल है, और देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है अगर उनको, अगर आपको पेपर हार्ड बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं जिसमें बच्चा सीधा सीधा सॉल्व नहीं करेगा, उसको आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हमने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लेके सॉल्व किया, एक बार सेकंड थर्ड और फोर्थ लेके सॉल्व किया, दो बार हमने यहाँ पे हमारा थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड टू ट्रांसवर्सल लेके हमने दो बार सॉल्व किया, तो जाके हमें पीक्यू का वैल्यू, फिर साथ ही में हमें यहाँ पे दैट इज क्यूआर का वैल्यू और आरएफ का वैल्यू हमें मिल पाया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल क्या है इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन कराने में 15 मिनट चले गए, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन से फटाफट से हम लोग देखेंगे, चलो आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे इसको समझते हैं हम लोग। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है, देखो आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो जोन से बाहर आ जाओ, वो वाले क्वेश्चन के माइंड से जोन से बाहर आ जाओ। तो ये PQR है, दिख रहा है ये PQR में PM मेरा मीडियन है, ठीक है, दिख रहा है क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली ये जो एंगल है मेरा इसको बाइसेक्ट किया जा रहा होगा, उसी प्रकार ये एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ दैट XY किधर है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। प्रूफ दैट XY मतलब ये वाला जो लाइन है यहां से लेके यहां तक वाला लाइन XY पैरेलल टू QR, यानी कि इस QR से क्या है वो पैरेलल है, तो ये प्रूफ करके दिखाना है। अब मुझे एक चीज समझ में आता है, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये XY को पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ, तो मुझे याद आता है मेरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वही एक ऐसा थ्योरम है जिसमें कोई चीज जब दिया होता है तो उसमें हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि वो पैरेलल है। और बाकी बीपीटी वगैरह में क्या होता है कि पैरेलल दिया होता है और हमें उसका इक्वेशन रेशियो में बताना होता है, तो इसमें हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा, और एक बार रेशियो निकाल दिए तो पैरेलल प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो चलो फटाफट से इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। तो मैं ट्राइंगल में लेता हूं, यहाँ पे क्या ले लू, एक मिनट, हाँ चलो येल्लो रहने देता हूं। अगर आप देखोगे मेरा पूरा ट्राइंगल को ले लू, या फिर इस ट्राइंगल को ले लो खाली, पी एम क्यू ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी एम क्यू ये ट्राइंगल को ले रहा हूं। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो लाइन है जिसका नाम क्या है MX, ये जो लाइन है मेरा MX, तो MX क्या है, MX इज एंगल बाइसेक्टर। MX मेरा क्या है दोस्तों बताओ, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल M, एंगल M का क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, दैट इज MP अपॉन MQ, क्या हो जाएगा MP अपॉन MQ इज इक्वल टू PX अपॉन XB हो जाएगा, PX अपॉन XB हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हो आप, रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन। उसी प्रकार अगर मैं ट्राइंगल को कंसीडर करूं, दूसरा कलर ले लेता हूं, एक मिनट, इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, दैट इज पहले हमने पी एम क्यू लिया, अब पी एम आर लूंगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी एम आर एम एम वाई, ये एम वाई जो है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एम वाई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा एमपी अपॉन एम आर, देखो यहां पे दैट इज एमपी अपॉन एम आर, एमपी अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ओके। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखोगे, हमको क्वेश्चन में बोला था कि पीएम मीडियन है, पीएम जो है मेरा मीडियन है, पीएम इज मीडियन, तो इसका मतलब क्यूएम का जो वैल्यू होगा और एमआर का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूएम इज इक्वल टू एमआर, क्यूएम इज इक्वल टू एमआर, रीजन क्या है, दैट इज एम मेरा मीडियन है, एम इज मीडियन, ठीक है, एम मेरा क्या है मीडियन है। तो उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो इस QM इज इक्वल टू MR है, तो ये MR के जगह पे, इस MR के जगह पे मैं QM लिख सकता हूं, QM का मतलब MQ ही होता है यार, MQ बोल दो QM बोल लो एक ही बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा इक्वेशन नंबर टू चेंज होके कैसा हो जाएगा बताओ मुझे, इक्वेशन नंबर टू चेंज होके कैसा हो जाएगा, ये MP तो रहेगा ऊपर, लेकिन इस MR के जगह पे मैं QM लिख सकता हूं या फिर MQ लिख सकता हूं, ठीक है ना, इस QM को MQ लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो MR इज इक्वल टू QM है, तो इस MR के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, MQ लिख दिया या फिर QM जिसको हम लोग बोलते हैं वो लिख दिया, और बाकी ये सेम रहेगा, ठीक है, ये हमारा नया वाला इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2.1 बोल लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2 था, ये 2.1 बोल लो, ठीक है। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2.1 बोलो, अच्छा नहीं लगता है 3 बोल देता हूं, चलो ये तो आप बोलोगे सर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो, चलो इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 में तो आपको एक चीज नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में MP अपॉन MQ इज इक्वल टू MP अपॉन MQ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम है तो राइट हैंड साइड वाले भी सेम हो जाएंगे, तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री देखेंगे, माफ करना यहां पे टू लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री, ये थ्री, तो इक्वेशन नंबर वन और थ्री में देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि पी एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, सॉरी पी वाई, हाँ पी वाई अपॉन वाई आर, ये आपको समझ में आ गया। यहां पर एक लाइन खींच देता हूं यार, बहुत स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मिल गया मुझे कि px upon xb जो है is equal to py upon yr है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये px upon xb is equal to py upon yr है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आप दिमाग अगर लगा पा रहे हो तो आप बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो इस चीज को प्रूफ करने के लिए, अगर आप दिमाग थोड़ा भी लगा पा रहे हो तो आप क्या हो, बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि px upon xb py upon yr, तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा कन्वर्स, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये वाला जो लाइन है जिसका नाम क्या है, सेगमेंट xy क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किससे, ये सेगमेंट qr से, और रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपका आ गया आंसर, खत्म कहानी। कैसे आया, देखो कभी रेशियो नहीं दिया रहेगा, समझ लो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन इससे पैरेलल है, तो हम बीपीटी लगाते हैं, और बीपीटी लगाते हैं तो px upon xb और py upon yr का रेशियो निकलता, इस बार हमने रेशियो निकाल दिया और रेशियो के अनुसार ये हो गया पैरेलल, उल्टा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो प्रूफ करके दिखा दिया हमने, देखो यही बोला था xy पैरेलल qr, बताओ, बता दिया, देखो कितना ईजी था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज करने के लिए भी, लेकिन आपका दिमाग से काम करना है, कंसेप्ट से काम करना है, आपको बहुत ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें बाइसेक्टर है एंगल बी का, एंगल सी का, ठीक है, दिख रहा है एक्स पे, और हमें बोल रहा है ए एक्स इंटरसेक्ट हो रहा है साइड बी सी पे, ठीक है, ए एक्स जो है, ठीक है, साइड बी सी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई पे ए बी का वैल्यू फाइव, ए बी का वैल्यू फाइव दे रखा है, AC का वैल्यू 4 दे रखा है, और BC का वैल्यू जो नीचे वाला है उसको 6 दे रखा है, ठीक है। हमें AX upon AX, ये जो X पॉइंट है, ये AX upon XY का वैल्यू निकालना है, यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट से। सबसे पहले ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा दिमाग लगा के क्या करेंगे, उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे, ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको, ओके। हाँ, अब यहां पर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी वाई, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं ए बी वाई, ए बी वाई में एंगल एंगल नहीं माफ करना, ये रे मेरा जो बी वाई है, सॉरी बी एक्स है, ये जो बी एक्स का रे दिख रहा है, तो रे बी एक्स क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल बी, सॉरी माफ करना, एंगल बी को कर रहा है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो दोनों में थ्योरम लगाएंगे, एक यहां पर लगाएंगे और एक यहां लगाएंगे, तो सबसे पहले यहां वाले में लगाते हैं, तो बाइसेक्टर के थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी वाई, ठीक है, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन। उसी प्रकार एक और जो मेरा दूसरा साइड वाला ट्राइंगल है उसमें भी सेम, कि इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए सी वाई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी वाई, रे रे मेरा सी एक्स, रे सी एक्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, बाइसेक्ट एंगल सी, तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके अनुसार क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज ए सी अपॉन सी वाई, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब आप इक्वेशन नंबर वन और टू को नजर डालोगे तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी वाई हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, कहां से आया, फ्रॉम वन एंड टू,
फ्रॉम वन एंड टू से आया ये चीज, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई यहां तक परेशानी तो मुझे नहीं लगता आपको हुई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ए बी अपॉन बी वाई है इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन सी वाई, ओके, ये आपको यहां तक समझ में आ गया, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ये ए एक्स अपॉन एक्स वाई आ गया, ठीक है चलो, ओके। अब ये ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, अब यहां पे हमारा कुछ लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे बताओ लॉजिक, ठीक है, ये जो बी वाई का जो वैल्यू है अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे बोल रहा है इंटरसेक्टेड लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट वाई, ठीक है, तो ए एक्स जो है आपका ये लाइन ए एक्स है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी वाले पॉइंट को वाई पे, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का वैल्यू फाइव है, ठीक है, ये सब चीज बराबर दिया है। अब मैं क्या लगा सकता हूं, समझ लो कि मैं कुछ ये बी वाई को ना एक्स मान लेता हूं, मान लो कि मैं मतलब ये वाला एक्स नहीं है, ये एक्स का सिंबल है, ठीक है, ये एक्स का सिंबल है, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, एक्स नहीं मानता, चलो मैं क्या मानता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ पी क्यू आर तो नहीं है ना इसमें, ठीक है, पी मान लेता हूं, इसको मैं पी मान लेता हूं, बी वाई को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो यहां पर अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, टोटल यहां पे मेरा बीसी का जो वैल्यू है, देखो यहां पे थोड़ा सा ना हम दिमाग लगा पा रहे हैं क्योंकि सोचना पड़ता है ना, देखो एग्जाम में भी आप सोचोगे, ऐसा नहीं है ना कोई क्वेश्चन को आपने रट्टा मारा या फिर मैंने रट्टा मारा, हम आपको समझ रहे हो, खुद समझा रहे, खुद समझना पड़ेगा फिर समझाना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कैसा है और आप उसको फ्रेम कैसे करोगे, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि पी बी वाई का वैल्यू पी है, ये वाई सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो टोटल वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे पता है कि बीसी का जो वैल्यू होगा वो बी वाई प्लस वाई सी होगा, ठीक है, और बी वाई का वैल्यू मैंने मान लिया है पी, और ये वैल्यू वाई सी मुझे पता नहीं है, तो बी सी का वैल्यू मुझे पता है दुखिए सिक्स, तो यहां पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वाई सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट वाई सी इज इक्वल टू, वाई सी इज इक्वल टू सिक्स माइनस पी, या फिर पी माइनस सिक्स, जैसा आपको बोलना है, ठीक है, तो वाई सी का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, सिक्स माइनस पी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूं, यहां पे देखो, थोड़ा मैं दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसमें ए बी मुझे पता है क्या, ए बी का वैल्यू क्या है, फाइव दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन ए बी का वैल्यू मैंने डाल दिया फाइव, ठीक है, बी वाई का वैल्यू मैंने क्या माना है, पी, तो बी वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पी, देखो यहां पे लिखा, देखो ध्यान से समझने की, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैंने रट्टा मार के आया और डायरेक्ट आपको सिखा दूंगा, ऐसा नहीं, आपको मैं सिखा रहा हूं प्रॉपर तरीके से सोचना कि किस प्रकार से आप एक एक स्टेप को सोचोगे और उसको सॉल्व करोगे, और एग्जाम में यही होता है, कभी भी कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस आ गए ना तो आपको सोचना है, छोड़ना नहीं है, सोचना है, सॉल्यूशन आएगा उसका, करते जाना है, सॉल्यूशन आएगा। बी वाई का वैल्यू मैंने क्या माना है, पी मान लिया, एसी का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो एसी का वैल्यू है फोर अपॉन, और ये सी वाई का वैल्यू अभी अभी निकाला, सी वाई बोलो या वाई सी बोलो एक ही बात है, तो सिक्स माइनस पी, सिक्स माइनस पी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइव सिक्स थर्टी माइनस फाइव पी इज इक्वल टू फोर पी, फोर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, कर दिया, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5p उधर जाएगा तो 9p हो जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू 9p हो गया, ठीक है, तो therefore p इज इक्वल टू 30 अपॉन 9, यहां तक समझ में आया, p का वैल्यू हमें क्या मिल गया, p इज इक्वल टू 30 अपॉन 9 मिल गया, p का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, 30 अपॉन 9। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं वापस से, इसको मैं कट कर सकता हूं, 3 टेन 30, 3 थ्री 9, यानी कि 10 बाई 3 आ गया, p का वैल्यू 10 बाई 3 आ गया, P को मैंने क्या माना था, BY माना था, यानी BY का वैल्यू मिल गया मुझे, BY का वैल्यू मिल गया 10 by 3, BY का वैल्यू मुझे मिल गया 10 by 3, ठीक है, CY का वैल्यू भी मिल जाएगा 6 minus P करके, ठीक है, वो निकाल लेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है, AX upon XY ना, AX upon XY, तो अगर मैं ध्यान दूं, AX upon XY निकालना है, ठीक है, AX क्या है, देखो ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, तो AX अपॉन एक्स वाई निकालना है, तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी वाई के बराबर है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी वाई के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी बाई बी वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू निकाला है क्या हमने, ए बी का वैल्यू कितना है फाइव, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है फाइव, और नीचे एक्स वाई बी वाई का वैल्यू, बी वाई का वैल्यू अभी निकाला है जो कि मैंने 10 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा फाइव, ये 10 बाई 3 ऊपर जाएगा मतलब 3 बाई 10 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 10 यानी कि 15 अपॉन 10, तो आपका आंसर आ गया, किस चीज का आंसर, ax अपॉन xy का वैल्यू आ गया फाइनली, क्या आ गया, ax अपॉन xy इज इक्वल टू 15 बाय 10, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, फाइनल खत्म कहानी, ax अपॉन xy इज इक्वल टू 15 अपॉन 10,
इसको आप छोटा बनाना है तो बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। दैट इज 5 3 15, 5 2 10, यानी कि 3/2। आपका आंसर कितना आ गया? 3/2। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ax अपॉन xy, ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो ax अपॉन xy का वैल्यू हमने क्या निकाला? 3/2। ये आपका आंसर आ गया। सोचो यार, इसको सॉल्व कराने में भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, बहुत ज्यादा मजा आया सॉल्व कराने में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, टफ होते हैं, मुझे पता है। देखो, ऐसा थोड़ी ना कि आपको मार्क्स दे दिया जाएगा इतना आसानी से, बच्चा 99% निकाल लेगा। थोड़ा तो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो होंगे जो थोड़ा आपको दिमाग यूटिलाइज कराना सिखाएंगे, आपका टेस्ट करेंगे। तो वही चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन, तो इसको समझना है और अच्छी तरीके से सॉल्व भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलो यार, एक और क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, फटाफट से चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसको, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम सेट को डिक्लेयर कर देंगे। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12, अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? एक फिगर है जिसमें एक्स वाई पैरेलल है एसी से, और साथ में 2ax = 3 times bx है, मतलब ax का जो वैल्यू है वो 2 गुना = 3 times bx, xy का वैल्यू दिया हुआ है 9, यानी कि xy का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। और हमें बोल रहा है एसी का वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी ये जो वैल्यू है एसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो हम लोग को दिया हुआ है 2ax = 3 bx, बराबर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ये ax को इधर ही लिखता हूं, ये 2 को उधर भेज दूंगा और ये bx को इधर लेके आ जाऊंगा, तो ax/bx हो जाएगा और इधर पे बच जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3/2। ये समझा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या लगाता हूं दोस्तों? कंपोनेंडो लगाता हूं। कंपोनेंडो आप जानते हो, दैट इज ax+bx/bx हो जाएगा, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो 3 + 2/2, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ax+bx क्या है? ये ax और ये bx क्या है? टोटल ab है, तो ax+bx मतलब क्या हो जाएगा? ab/bx हो जाएगा, और = 3 + 2 होता है 5, 5/2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये दो वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या लगा सकते? अब यहां पे दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी लिखता हूं यहां पे मैं, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी, बराबर, या फिर एक्स बी वाई, नहीं, यहां पे मैं क्या लेता हूं ना, एक ट्राइंगल लेता हूं बी सी ए लेता हूं, चलो ऐसा लेता हूं मैं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, ये मैं क्यों ले रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो, ये बी सी ए अगर मैं ले लू, इन ट्राइंगल बी सी ए और ट्राइंगल मेरा बी वाई एक्स एंड ट्राइंगल बी वाई एक्स, ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं लिया तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये एंगल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। वैसे ही ये जो एंगल है ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एक चीज, क्या लिख सकता हूं बताओ, कि मेरा जो एंगल है दैट इज बी वाई एक्स, एंगल बी वाई एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे होगा? बी वाई एक्स किससे होगा? बी सी ए से होगा, तो एंगल बी सी ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वैसे ही एंगल बी एक्स वाई, एंगल बी एक्स वाई ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? बी ए सी से, ठीक है ना, एंगल बी ए सी से होगा। और ये क्यों आया? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप लोग पूरा लिखना, सी ए मैंने लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, ध्यान देना अभी। अब मुझे बताओ, दो एंगल मैंने क्या बता दिया? कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बता दूं तो क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी वाई एक्स से, कौन से टेस्ट से हो जाएगा? एंगल एंगल टेस्ट से हो गया, एंगल एंगल टेस्ट से हो गया। अब एंगल एंगल टेस्ट से ये सिमिलर हो जाएगा तो उसके जो रेशियो आएंगे साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो आ जाएंगे। तो बताओ कैसे आएगा यहां पे? दैट इज नथिंग बट द बी सी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू सी ए अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी एक्स, बी ए अपॉन बी एक्स, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये बी ए है, ए बी बोल लो या फिर बी ए बोल लो, एक ही बात है। तो बी ए अपॉन बी एक्स का वैल्यू 5/2 है और हमें निकालना है सी ए, सी ए मतलब ए सी, ये वैल्यू। तो सिर्फ इन दोनों को लिखूंगा तो भी चल जाएगा। तो ये सी ए को मैं अगर मैं ए सी लिख दू, इस सी ए को मैंने ए सी लिख दिया और उसके नीचे वाई एक्स को मैंने एक्स वाई लिख दिया, तो चलेगा क्या? इस बी ए को मैं ए बी लिख दू और ये बी एक्स को एसी बी एक्स लिखो तो चलेगा ना? एसी का वैल्यू मुझे निकालना है तो एसी का वैसे ही रखा, एक्स वाई का वैल्यू मुझे पता है, एक्स वाई का वैल्यू 9 दे रखा है, इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू बी एक्स का वैल्यू, ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू सीधा सीधा 5/2 दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन बी एक्स का वैल्यू 5/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × AC = 9 × 5 = 45, ठीक है। तो देयरफॉर आपको एसी का वैल्यू मिल गया 45/2।
आप पॉइंट में आप निकालना चाहते हो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, या फिर डायरेक्टली 45/2 भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट में निकाल लेता हूं, दैट इज एसी इज इक्वल टू 45/2 कर दो, 22.5 हो जाएगा यूनिट, जो भी है इसका यूनिट जो लिख देना। तो एसी का वैल्यू आ गया 22.5 यूनिट। कितना आसानी से, कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, देख सकते हो आप लोग, और इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल मुझे नहीं लगता कोई हो सकता, दिमाग का खेल। समझ में आ गया? तो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं भी थक गया। इसी के साथ हम ये पूरा प्रॉब्लम सेट को डिक्लेयर करते हैं, एक आध क्वेश्चन रह गया है तो जरूर से उसको देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लग रहा है, और जो प्रॉब्लम सेट हम पढ़ा रहे हैं इससे कितना वैल्यू आपको मिल रहा है, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पर तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।